To get some interesting tech tutorials and hacks, please subscribe my channel and hit the bell icon. Subscriptions are always free. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि कैसे आप जान पाएंगे कि आप कोई डेटा ब्रीच के विक्टिम है कि नहीं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेटा ब्रीच होता क्या है। तो बेसिकली जब आप कोई भी साइट पे रजिस्टर करेंगे, जैसे साइन अप करते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ आपका ज़रूरत होगा ही होगा, वो है ईमेल आईडी। तो या तो फिर आपके आपके पास से बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन लेगा, जैसे आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी, या तो फिर कुछ कुछ वेबसाइट्स आपका एड्रेस भी ले सकता है, फ़ोटो भी ले सकता है, बहुत कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लेता है। अब डेटा ब्रीच एक ऐसा चीज़ है जिसपे कोई क्रिमिनल हैकर क्या करता है कि किसी भी वेबसाइट का डेटाबेस या कोई भी सिस्टम का डेटाबेस हैक कर लेता है पहले से। उसके पास उस डेटाबेस में रजिस्टर्ड जितने सारे यूज़र्स हैं, उन सभी का डेटा उसके पास रहता है पहले से। और वो जब हैक करके वो सब डेटा उसके पास रख लेता है, उसके बाद वो उस कंपनी को थ्रेट देता है, बोलता है कि आप मेरे को इतना पैसा दे दीजिए, नहीं तो मैं ये सब डेटा मैं लीक कर दूंगा। डार्क वेब पे भी लीक कर सकता है या तो फिर नॉर्मल सरफेस वेब पे भी लीक कर सकता है, जनरली डार्क वेब पे लीक करता है। अब तो जब वो कंपनी वो पैसा देने में मतलब इनकार कर देता है या तो फिर वो पैसा नहीं देता है किसी कारण से, तब क्या करते हैं वो हैकर्स, वो डेटा लीक कर देते हैं इंटरनेट पे, कहीं डार्क वेब पे भी लीक कर सकता है, डीप वेब पे या कहीं पे भी लीक कर देते हैं। और अगर आपने वैसे कोई भी एक वेबसाइट पे रजिस्टर करके रखा है अपना नाम या तो फिर अपना ईमेल आईडी से, तो आप डेटा ब्रीच का विक्टिम हो जाएंगे। अब आपको ये पता लगाना होगा कि डेटा ब्रीच का विक्टिम है कि नहीं, और वो कैसे डिटरमाइन करते हैं वो इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो चीज़ मैंने कहा कि ईमेल आईडी एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर एक वेबसाइट में लगेगा, तो आप गूगल ओपन कर लीजिए और सर्च कीजिए हैव आई बीन पॉन्ड PWNED। तो जो पहला वेबसाइट है haveibeenporn.com, ये वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए। ये एक ऐसा वेबसाइट है जो मतलब आप जब इस पर अपना ईमेल आईडी देंगे, तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप देंगे वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे देने से वो पहले सर्च करेगा जितना डेटा ब्रीचेस हुआ है, वहाँ पे ईमेल आईडी तो हर एक डेटा ब्रीच में होगा ही, वो ईमेल आईडी ये सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये आपको बता देगा कि आप कोई भी तरीके का डेटा ब्रीच का विक्टिम है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी देकर देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि ये ईमेल आईडी कोई मतलब डेटा ब्रीच का विक्टिम है कि नहीं। मैंने बहुत पहले एक हाइड्रा का ट्यूटोरियल बनाया था जो कि मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है, उस पोस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने उस पोस्ट पर यही ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था, उसके बाद मैंने ये रैंडमली बस एक ईमेल आईडी क्रिएट किया था। तो अब देखते हैं कि यह कोई भी तरीके का डेटा ब्रीच का विक्टिम है कि नहीं। वैसे इससे कुछ भी चीज़ रजिस्टर नहीं हुआ है, तो बेसिकली ये कोई भी डेटा ब्रीच का विक्टिम नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड न्यूज़ नो पॉनेज फाउंड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देते हैं और बाय चांस आप किसी भी तरीके का डेटा ब्रीच का विक्टिम बन जाते हैं, तो आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर का चीज़ आया है यहाँ पे वो रेड कलर हो जाएगा, और आपको वो बता भी देगा कि आप कहाँ मतलब कौन सा डेटा ब्रीच का विक्टिम है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।